हेलो फ्रेंड्स, आई एम आचल। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो आईटीबीपी एडमिट कार्ड और उसकी एग्जाम डेट से रिलेटेड है। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और फ्रेंड्स, आप उसी के पास एक बेल आइकन है जिसको दबाना आप ना भूलें, जिससे कि आप हमारे अपकमिंग और लेटेस्ट वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, आईटीबीपी का इनको फुल नेम है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन रिलीज करा था जो कि कॉन्स्टेबल ट्रेडमैन की वैकेंसी से अवेलेबल है, जिसमें करीबन टोटल 303 वैकेंसीज अवेलेबल थी। पर जैसे कि डिपार्टमेंट ने जिसको नोटिफिकेशन रिलीज करा था, तो डिपार्टमेंट ने कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन उसमें मेंशन करी थी कि इसके सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो जैसे कि डिपार्टमेंट ने जिसको सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो फोर स्टेजेस पे रखा था। जो फर्स्ट स्टेज थी वो फिजिकल टेस्ट, सेकेंड ट्रेडमैन टेस्ट, थर्ड जिसका था रिटन एग्जामिनेशन, और फोर्थ जो था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जैसे कि डिपार्टमेंट ने इसका फर्स्ट स्टेज जो रखा था वो फिजिकल टेस्ट रखा था, और डिपार्टमेंट ने इसका फिजिकल टेस्ट सक्सेसफुली कंडक्ट करा लिया, और डिपार्टमेंट ने उसके रिजल्ट उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी रिलीज कर दी। तो आपने कहीं जो भी इसके एग्जामिनेशन में अपीयर होते उन सब ने अपना इसका रिजल्ट देख लिया होगा कि उनका रिजल्ट क्या हुआ, ताकि वो आगे के प्रोसेस के लिए अपीयर हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। जैसे कि वो क्लियर हो चुका है। फिर डिपार्टमेंट ने ट्रेनमेंट का टेस्ट भी रखा था, वो भी डिपार्टमेंट ने सक्सेसफुली कंडक्ट करा लिया है, उसी के भी रिजल्ट्स डिपार्टमेंट ने इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज कर दी है। तो डिपार्टमेंट ने ये सारी चीजें मेंशन कर दी थी नोटिफिकेशन में। तो जैसे कि डिपार्टमेंट ने अब इसका थर्ड स्टेज जो रखा है वो रिटन एग्जामिनेशन रखा है, तो डिपार्टमेंट रिटन एग्जामिनेशन की भी डेट इसकी जल्दी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज कर देगा। तो जैसे कि डिपार्टमेंट इसके रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रहा है, तो डिपार्टमेंट इसके एडमिट कार्ड भी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही रिलीज करेगा। तो जो भी कैंडिडेट्स इसके रिटन एग्जामिनेशन में अपेयर होने वाले हैं वे इसके एडमिट कार्ड इसके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, और आपको इसको डाउनलोड करने के लिए जो इसका ऑफिशियल लिंक होगा वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, ताकि आप इसको इजीली डाउनलोड कर सके। और उसी के साथ आपको नीचे स्टेप्स भी मिल जाएंगे कि आपको इसका एडमिट कार्ड कैसे कैसे डाउनलोड करना है। तो जैसे कि डिपार्टमेंट इसका रिटन एग्जामिनेशन सक्सेसफुली कंडक्ट करा लेगा, तभी इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी कैंडिडेट्स को बुलाएगा। तो डिपार्टमेंट इसकी मेरिट लिस्ट भी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही रिलीज करेगा, ताकि वो शॉर्टलिस्ट कर पाएगा कैंडिडेट्स को। हम लोगों को इन्फॉर्मेशन ये भी मिली है कि डिपार्टमेंट जो उसकी जो वैकेंसीज थी जो उसने रिलीज करी थी, जो वो नोटिफिकेशन में मेंशन थी, वो 303 थी। तो जैसे कि डिपार्टमेंट इसकी वैकेंसीज बढ़ाए तो अभी तो डिपार्टमेंट उसका एक नोटिफिकेशन भी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही मेंशन करेगा। अगर जब तक कैंडिडेट्स को आइडिया ना लगा है, जब तक इसका नोटिफिकेशन नहीं आता है, मैं आपको उसका नोटिफिकेशन अगर आता है तो मैं आपको उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, आईटीबीपी का जो एडमिट कार्ड है वो दिसंबर की लास्ट वीक में आ ही जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और फ्रेंड्स प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।